हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और सेट एक्सपेरिमेंट में हमने ये लर्न किया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डेवलप करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होता है। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो सर्किट है उसे हमने यहाँ ड्रॉ किया है और समझाता हूँ वो एक्टिविटी क्या है। हम एक स्ट्रेट कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उस कॉपर वायर को वर्टिकली रखते हुए और इसको एक हॉरिजेंटल कार्डबोर्ड शीट से होकर के पास करने देते हैं, इस तरह से पेंट्रेट करते हुए। ठीक है, ये हो गया कॉपर वायर और जो कि इस कार्डबोर्ड को पेंटेट करते हुए यूं पास कर रहा है। और अब इस कॉपर वायर को फाइनली हम एक एमीटर से, एक बैटरी से और एक की से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसा यहाँ सर्किट में दिखलाया गया है। क्लियर है। अब इस कार्डबोर्ड पर हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं और उसके बाद की को ऑन करते हैं। जैसे ही की ऑन किया जाता है, ये पाया गया कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये बिल्कुल सर्कुलर लूप्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई वाले सर्कुलर लूप्स के पैटर्न में अपने को रीअरेंज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में हैं, छोटे बड़े रेडियाई वाले, और इन डिफरेंट सर्कल्स सर्कुलर ट्रैक पर अपने को आयरन फाइलिंग्स अरेंज कर लेते हैं। ये एक्चुअल में ये जो सर्कुलर पैटर्न्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एक एरो हेड की मदद से जब दिखाएंगे तो डायरेक्शन किधर दिखलाएंगे तो ये जानना जरूरी है। अगर मान लो कि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे यूं समझ लो कि मान लो ये पॉइंट ए है एंड दिस वन इज बी टर्मिनल, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट यू फ्लो करे फ्रॉम ए टू बी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है ए से बी होकर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा आप कैसे इंडिकेट करोगे, डायरेक्शन कैसे शो करोगे, तो डायरेक्शन जो होगा क्लॉकवाइज सेंस में आप दिखलाएंगे। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे तो द सेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन हियर। और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, क्या करना होगा, इस टर्मिनल को हम बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, इस एंड को हम बैटरी की पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। यानी कि करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगे इस वायर में, तो जो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप अपोजिट सेंस में शो करोगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे शो करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हमने क्या लर्न किया कि एक स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा अराउंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई वाले सर्कल्स, आप तीन चार पांच सर्कल्स दिखला देना और इस स्ट्रेट वायर को सेंटर में रखते हुए दिखलाना। ठीक है, तो वो सभी सर्कल्स जो होंगे डायरेक्शन जैसे मैंने बताया उस तरह से, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज सेंस में शो करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, और अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में शो करेंगे। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये पाया गया है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी अगर आर मीटर की है
ठीक है, और अगर मान लो कि इसमें आई एम्पियर की डीसी करंट पास कर रही है इस वायर से, तो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, जो है कैपिटल बी से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट आई पासिंग थ्रू द कंडक्टर. वो बी की वैल्यू इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इस वायर पे फ्लो होने वाले करेंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी. ये पाया गया है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आई के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, यानी कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इसके बगल में किसी पॉइंट पर स्ट्रॉन्गर हो जाती है. और कैसे स्ट्रॉन्गर होती है, तो अगर करंट को डबल कर देंगे तो एक गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, ट्रिपल करने पर मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रिपल हो जाएगी. ठीक है, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. अब देखते हैं कि ये फील्ड की स्ट्रेंथ जो है क्या दूरी पर डिपेंड करती है हर पर, और वो कैसे. तो प्रैक्टिकली ये भी पाया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें वो पॉइंट जो इस स्टेट कंडक्टर से आर मीटर की परपेंडिकुलर दूरी पर है, वो दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आधा हो जाता है. दूरी को चार गुनी करने पर मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाता है, यानी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. एक्चुअल में जो बी का आई और आर के साथ ऐसे रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला है जो आप लोग 12th क्लास में प्रूफ करेंगे कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr टेस्ला होती है. ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला का यूज़ आपको जानना है. तो देख रहे हो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 2π तो जानते ही हो. ये म्यू नॉट क्या है ये समझते हैं. एक्चुअल में ये म्यू नॉट जो है इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं. ठीक है, और इसकी वैल्यू म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है. तो मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा ये बताऊं मैं कि ठीक है, अभी आपने ये जाना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर वो स्ट्रेट है तो वो करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दूरी आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन एक्चुअल में एक और फैक्टर है जो इस फील्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है, और वो है कि वो पॉइंट जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं उसके और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच कौन सा मीडियम है, वो मीडियम का नेचर भी प्रभावित करता है इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है. तो अगर बीच में वैक्यूम है तो हम इस वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है वो हम म्यू नॉट लेते हैं, जिसकी वैल्यू अभी हमने समझाया आपको. अगर वैक्यूम की जगह पे कोई और मीडियम है, तमाम तरह के मीडियम हो सकते हैं, तो अलग अलग मीडियम के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो हैं अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में इस सेम करंट फ्लो करने वाले स्ट्रेट कंडक्टर से सेम डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट जिस जहाँ पर हम फील्ड निकाल रहे हैं उसके और स्टेट कंडक्टर के बीच की जो मीडियम है उस मीडियम की एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के द्वारा भी डिटरमाइन होता है. वैक्यूम के लिए हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू नॉट लेते हैं, म्यू नॉट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है. ठीक है, तो इस रिलेशन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं दूंगा आपको. अब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो ये रूल क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज हेल्ड इन द राइट हैंड, अगर हम किसी कर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में राइट हैंड में रखें, इस तरह से रखें कि थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि थंब की दिशा, ये राइट हैंड है हमारा, ठीक है, और इस मेरे राइट हैंड के थंब को अगर मैं करंट की दिशा में ओरिएंट कर दूं, मान लो कि ये वायर है स्ट्रेट, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में अगर मैं ओरिएंट कर दूं और रिमेनिंग फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करूं, जैसे इन चारों फिंगर को अगर मैं ऐसे सर्कुलर पैटर्न दूं
तो ये जो सर्कुलर पैटर्न होगा, ये हमारे जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में इनसर्किल्ड होंगे, वो सर्कुलर डायरेक्शन क्या देगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बतलाएगा। और साथ ही इस सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस पॉइंट पर ये रिमेनिंग फिंगर्स के फिंगर टिप्स किधर की ओर इशारा कर रहे हैं। मान लो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड के स्थम को करंट की डायरेक्शन ओरिएंट कर लेंगे और इस पॉइंट पर देखेंगे कि रिमेनिंग फिंगर के फिंगर टिप्स जो है, आप देखो इधर की ओर इशारा कर रहा है, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहें तो क्या करना होगा, हमें यहाँ तक फिंगर्स को लाना पड़ेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। यहाँ पर जानना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या करेंगे, इसको कर्ल करके ऐसे लाएंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर जानना हो मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये जो राइट हैंड के थंब को हम करंट के डायरेक्शन में ओरिएंट करके रिमेनिंग फिंगर्स का जो कर्ल है, रिमेनिंग फिंगर्स जिस डायरेक्शन में हम बेंट करेंगे, कर्ल करेंगे, उनके फिंगर टिप्स की दिशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देगी उस पॉइंट पर। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस रूल को याद करना बहुत जरूरी है, और ये मैं सेंड कर दे रहा हूँ आपको, इसको आप लोग लर्न कर जाइएगा। अब ये जो कंसेप्ट है, इस पर बेसिक प्रॉब्लम है कि मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायर है जो कि यूं हॉरिजेंटली रखा हुआ है इस पेपर शीट पर, ठीक है, इसमें लेफ्ट टू राइट आई एम्पियर का करंट यूं फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट नीचे में है बी। आपको पॉइंट ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस फाइंड करनी है। कैसे, क्या करेंगे आप, तो यही राइट हैंड रूल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर आउट ऑफ पेज आ रहे हैं और बी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इनसाइड द पेज जा रही है, परपेंडिकुलरली इनसाइड। तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द पेज हो गया, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आउटवर्ड द पेज हो गया, और इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ चुके होंगे और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।